पार्ट टू है। फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही बना दिया है जिसमें हम बीजापुर से गए हैं NMDC तक, और ये पार्ट टू है जिसमें हम अभी रास्ते में हैं और यहाँ से अभी हम बस NMDC पहुँचने ही वाले हैं। और वहाँ पे बैलाडीला बचेली का जो पूरा NMDC जो कंपनी है वो काफ़ी दिलचस्प एरिया है, और इस ब्लॉग में उसको हम कवर किए हैं पूरी तरह से। और वहाँ के जो बैलाडीला की पहाड़ियाँ हैं उनको हमने दिखाया है, तो आप लोग ब्लॉग को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए और इस ब्लॉग को इंजॉय करिए। पूरी देख रहे हो, ये जहाँ तक नजर जा रही है पूरी की पूरी पहाड़ियाँ आपकी NMDC कंपनी इसी के ऊपर बसी हुई है, और ये इससे भी बड़ी है, इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। और ये जो मार्केट देख रहे हो ये पूरा बचेली का मार्केट है, और ये जो कंपनी है इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। तो आप लोगों को अभी मैं आगे अंदर भी लेके जाऊंगा और ऊपर पहाड़ी पे भी चढ़ के दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार ही जाना है। चलो ना, लोहे धो रहा है कि हम लोग धो रहा है वो। इधर से रास्ता है। अच्छा, ये लोग घुसे थे क्या वहां से? ये लोग घुसे थे। अभी हम लोग NMDC तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि लोग जो लोग मतलब यहाँ पे गाड़ी से आए हैं 4-व्हीलर से, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो अलाउ है, वो जा सकते हैं। लेकिन पैदल वालों को यहाँ पे रोका जा रहा है, शायद उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है पैदल। बट हम लोग कोशिश करते हैं जाने का, देखते हैं क्या होता है। बोल रहे हैं हमारी भी फोटो ले लेना। आगे आपको जो भी स्कूटी गाड़ी लेके आ रहे हैं ना, उसको आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको अंदर लेके नहीं जा सकते। सिर्फ 4-व्हीलर ही जाएगा, 2-व्हीलर का अलाउ ही नहीं है। Thank you.
से गाड़ी मचा रही है ऊपर, ठीक है रोड ऐसे 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 तो हम लोग लग ही नहीं रहा किस जमाने में पहुँचेंगे, किस जमाने में पहुँचेंगे वहाँ। पैदल वालों के लिए अलग रहा, स्पेशल अलग से रास्ता बना हुआ है क्योंकि जिस तरह गाड़ी का घुमाव दिया उस तरह से तो चढ़ना ही मुश्किल है वहाँ पर, बड़ा कंपनी है। बाइक कैमरा फोर आना है, फोर व्हीलर करके आना है, बाइक से अगर आएंगे एक दिन ही तो मिल रहा निकले ऊपर से, अगर बाइक से आएंगे तो मुश्किल है आपको, अगर आना है किसी को तो फिर आप फोर व्हीलर का इंतजाम करिए, यहाँ बाइक अलाउ ही नहीं है। और आगे चल के यहाँ 200 रुपये एक आदमी काम लोग हैं, एक आदमी 200 रुपये इसमें चढ़े हैं और भैया थोड़ा धीरे धीरे चलो अरे यार ऐसे तो हमारा देख रहे हो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा रास्ता ऊपर चढ़ने का और ये पूरा घुमावदार रास्ता है क्योंकि पहाड़ पे डायरेक्ट तो चढ़ा नहीं जा सकता है तो इसलिए घुमा घुमा के इसको बनाया गया है। और आपको बता दूं एनएमडीसी कंपनी बहुत सारे अवार्ड जीती है सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कंपनी पूरी तरह से नेचर को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। यहाँ पे जितने भी डस्ट उड़ते हैं सब इसका ख्याल रखा जाता है, टाइम पे पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि जो रोड पे चलते हैं जो गाड़ियाँ जो एनएमडीसी का लोहा ढोने के लिए बड़े बड़े टैंकर लेके जाते हैं वो सब डस्ट को मतलब उड़ाएं तो उसको पानी से हमेशा टाइम टू टाइम छिड़काव किया जाता है। और पेड़ जितने भी ऊपर कटे हैं जिसकी वजह से कंपनी खड़ी हुई है उससे कई गुना ज़्यादा पेड़ इस कंपनी ने बाकी जगहों पे लगाया है और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और साफ़ सुथरा ये कंपनी है, यहाँ का एरिया है। आपको पूरे इंडिया में मतलब मैंने अभी तक तो कोई कंपनी नहीं देखी है बट ये जो कंपनी है अपने तरफ से हर तरह के वो प्रयास कर रही है जिससे कि कहीं कोई डस्ट ना हो, अपने तरफ से पूरी कोशिश की है और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा है इस कंपनी। यहाँ पे ऊपर में आपको एक दिख रहा होगा ये लाइन लाइन टाइप का जो लंबा लंबा गया है, इसके अंदर ही पूरा लोहा नीचे उतरता है कंपनी से डायरेक्ट। ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा इसी में लोहे पूरा बेल्ट के जरिए नीचे उतारा जाता है और पूरा पूरा सप्लाई यहाँ पे बेल्ट से होता है क्योंकि पहाड़ से उतारना इतना आसान नहीं है इसलिए इस बेल्ट को बनाया गया है। यहाँ तक कि यहाँ पे पानी को भी फिल्टर करके पौधों में डाला जाता है, इतना बेहतरीन ढंग से इसको सिस्टमेटिक ढंग से तैयार किया गया है, इतनी बड़ी पहाड़ों के ऊपर भी ये पूरा सिस्टमेटिक ढंग से तैयार हुआ है ये कंपनी।
जो आप ऊपर कंपनी देख रहे हो, ये पूरा पूरा जो पहाड़ आप देख रहे हो, ये सारा का सारा पहाड़ पूरी तरह से लोहे से बना है। मतलब लोहे का नहीं है, ये पूरा पहाड़ पत्थर है, लेकिन ये एक तरह का अलग ही पत्थर है जिसको फिल्टर करके इसके अंदर से पूरा प्योर लोहा निकाला जाता है। मतलब आप जितनी दूरी में ये एरिया देख रहे हो, ये पूरा का पूरा ये पहाड़ पूरी तरह से हर जगह आपको ये सिर्फ लोहा ही लोहा है। और यहाँ पे तकरीबन मुझे याद नहीं कुछ मैट्रिक टन, कितना लाख मैट्रिक टन यहाँ पे और लोहा अयस्क जो है वो आंका गया है। हालांकि ये जो पूरी कंपनी है लगभग 40 किलोमीटर लंबे और 10 किलोमीटर चौड़े एरिया में फैली हुई है, और ये पहाड़ियाँ भी बहुत लंबी है। यहाँ से एक आकाश नगर है जो कि यहाँ से इस जहाँ पे हम जा रहे हैं यहाँ से 10 किलोमीटर और दूर है, तो वो एरिया वहाँ से बादल भी आपको नीचे दिखेंगे। जिस तरह से प्लेन में बादल दिखते हैं उस तरह से वहाँ का सीन दिखता है। तो अभी अभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ का हाइट देख सकते हैं आप, कितना ज़्यादा हाइट है। और नीचे का एरिया देखिए कितना छोटा छोटा, आपको तालाब घर वगैरह एकदम छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, चींटी के समान। अभी और ऊपर हमें जाना है, तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पर हम लोग जा रहे हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कंपनी कितनी बड़ी है, और ये जो एरिया है यहाँ पे 17 सितंबर को इतनी भीड़ क्यों होती है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और गाड़ियाँ तो इतनी थी कि पूछिए मत। यहाँ पे इतनी सुंदरता है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, उससे ये 10 से 20 गुना ज़्यादा सुंदर हमारे आँखों से देखने को मिला, क्योंकि कैमरे में हम कभी भी उस चीज़ को कैप्चर नहीं कर सकते। हालांकि हमारे पास DSLR होता तो शायद हम इससे भी बेहतर वीडियो आपको बना के दिखा पाते, बट फ़ोन भी हमारा अच्छा खासा कैमरा है, बट जो आँखों से दिखता है वो किसी कैमरे में नहीं दिख सकता है, इस चीज़ की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर आइए। दोस्तों के साथ यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम जाने वाले हैं किरंदुल, और किरंदुल का जो सफ़र है आगे का ब्लॉग में हमको किरंदुल भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से किरंदुल हम गए हैं। अभी नीचे बहुत सारे इसमें पार्टीशन बने हुए हैं इसी पहाड़ों में, जिसको हम अभी आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। इसके बहुत सारे पार्ट हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग मशीनरी है, मशीनरी का भी फोटो अंदर घुस के हम पूरी दिखाने वाले हैं आपको।